गीड़ा थाना क्षेत्र के नौसर चौकी अंतर्गत एकला बाजार चौराहे पर बजाज ऑटो एजेंसी में घुसकर बदमाशों ने एजेंसी मालिक के बेटे को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान CO कैंपियरगंज दिनेश सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। इस संबंध में SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि जिस युवक को गोली लगी है उसका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। जो भी आरोपी है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, पिताजी का नाम प्रेम यादव। प्रेम यादव अच्छा रूप का नाम है। जैसे तुम बैठे हो तुम लोग छोटे घर से का नाम है अब्दुल बारीगाम। अब्दुल यादव बारीगाम। अच्छा हमको पहले दो लोग बात कर रहे थे। अब एक तो लड़का बाहर गया है, उसको पिस्टल चढ़ा गया है, ये मेरे बगल में बैठा था, इसको सब बाहर ले गया है इसको। हाँ अमित, उसके बाद तुरंत गोली चलाया, दो गोली मारा है, कितना दूरी था? 1 किलोमीटर नहीं ला। मैं वही चौराहे पे चेक कर रहा था। आप धीरे से बता देते साहब आपको गोली लग गई। तुम सब रुकी नहीं रहा था, उसके बाद गए गीड़ा थाना क्षेत्र में भी रुद्र प्रताप यादव नाम का, सूर्य प्रताप यादव नाम का उर्फ बबलू यादव नाम का एक युवक है। इसके द्वारा बताया गया कि जब ये अपने एजेंसी में बैठा था तो कुछ लोग आए और हाथ में गोली मार के मार गए। भाई इनके द्वारा जो अपने कुछ प्रतिपक्षियों जैसे इनकी रंजिश है उनका नाम लिया जा रहा है और एजेंसी जो है इनकी शायद जो है टेम्पो की है। कितने लोगों ने जो बातचीत की गई इनके द्वारा जो है चार लोगों को बताया गया कि 2 नॉन और 2 अज्ञात। और इस विषय में अभी तहरीर इनके द्वारा फाइनल करके नहीं दी गई थी। कुछ पूर्व विवाद इनके द्वारा बताया गया है, अब उसको जो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।